अभी इन्होंने दो साइडें हमें दी हैं, एक रामपथ दिया है जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके बाद जैसे काम खत्म होगा धर्मपथ का काम शुरू कर दिया जाएगा। लगभग कितनी संख्या में पेड़ों को लगाया जाएगा? अभी 50,000 पौधों का लगभग ऑर्डर है, जिसमें छोटे पौधे भी और बड़े पौधे भी हैं। किन खास पौधों को लगाया जा रहा है और भी खास पौधों को? अभी मोस्टली जो है बोगनविलिया डिवाइडरों में भरा जा रहा है। इसके बाद बड़े बड़े हाइटेड पौधे आएंगे 8 से 10 फीट, जिसमें कोनोकार्पस है, टिबुविया रोजिया है, टिबुविया अर्जेंटिया है, ये पौधे और आ रहे हैं। अभी लगातार गाड़ियां आ रही हैं और यहां पर पौधे लगाए जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत दिखेगी ये? बहुत सुंदर दिखेगी, सब कलर वाइज हैं, मिक्स कलर नहीं है, व्हाइट है, ऑरेंज है, पिंक है, पर्पल है, अलग अलग पैचेस में पौधे लगाए जा रहे हैं। जब इनमें फूल आएगा ना तो पूरा सड़क रंगीन दिखेगी। ये इन फूलों की क्या विशेषताएं? इन फूलों की विशेषता ये एक तो हार्डी वेराइटी है, कम मेंटेनेंस है, पानी की कम आवश्यकता है और डेलिकेट नहीं है, हार्डी वैरायटी है, इसलिए इसको चूज किया गया है। बिल्कुल, हम लोगों ने ये हमेशा प्रयास किया है, जो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं उन्हीं को हम लोग प्रमोट करें। उसमें से जो जातियां विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त होने वाली जातियों को भी हम लोग दोबारा से प्रमोट करें। तो वन विभाग के साथ मिलकर अयोध्या विकास प्राधिकरण बड़े पैमाने पर प्लांटेशन और जो रामायणकालीन वृक्ष और वनस्पतियां हैं उनको दोबारा से उत्पन्न लगाया जाए, यहां पर इसका कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हार्टिकल्चरल ब्यूटिफिकेशन फ्लावर्स के साथ में जो सीजनल फ्लावर्स हैं उनको लगाते हुए ये भी बड़े पैमाने पर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है।